हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर देखेंगे करंट एनर्जी आपके पर्सन का नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। सो देखेंगे डियर गाइस, नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका है और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पर उनकी क्या फीलिंग है और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इसी चीज़ को खाली देखेंगे, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखेंगे पहले टैरो कार्ड से, फिर आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो कोई भी देख सकता है, गर्ल बॉय मेल फीमेल, एंड जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। तो अगर कभी भी सडनली अचानक से मेरी रीडिंग आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस टैरो कार्ड को देख सकते हैं, मतलब इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखिए कार्ड कैसे मुड़ के आया, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, मेल हो सॉरी मैरिड हो, अनमैरिड हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में देखो कार्ड की एनर्जी, जो कार्ड में ना स्टकनेस आ रही है, मतलब स्टक है बहुत ज़्यादा कार्ड, तो फीलिंग्स आई थिंक आपके पर्सन मुझे लग रहा है बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको। शायद आपने जानने की कोशिश भी की होगी लेकिन बता नहीं रहे क्योंकि एनर्जीज ऐसा लग रही है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, हो सकता है कि क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर मेरे पास, मोस्टली एनर्जीज आ रही है कि मेष राशि हो सकती है, हो सकता है आप किसी सिंह राशि या धनु राशि से डील कर रहे हो इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस तनाव दिखाई दे रहा है मुझे। स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा हो रहा है इनको क्योंकि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपको शायद किसी बात को लेकर गलत समझ रहे हैं, ठीक है, और मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी आ रहा है कि फ्यूचर तो इन्होंने देखा था आप ही के साथ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि आप दोनों के बीच में उन बातों को ज़्यादा आपने रिस्पांस दे दिया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही, गलत फहमी दिखाई दे रही है, एंड बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, और सोच रहा है ये जो पर्सन है कि भाई फ्यूचर मैंने उस पर्सन के साथ देखा था, ज़िंदगी मैंने सोचा था कि उसके साथ स्टेबल होऊंगा, लेकिन क्या हो रहा है ये हमारे और उसके बीच में, इतनी दूरियाँ आ गई, डिस्टेंस आ गया। तो एक मन में ना भारी बंसा है इनके, तनाव समय देख रही हूँ, और कार्ड्स को देखेंगे, डिफाइन करेंगे इनको इस कार्ड्स को कि भाई इतना ज़्यादा ये उदास नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और क्या हो रहा है इनके लाइफ में ऐसा जो ये इतना स्ट्रेस हो रहा है। अगेन वही वाला कार्ड्स है अगेन, लेकिन सोर्ट्स की एनर्जीज है। भाई एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी इन दो कार्ड्स को देख कर कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। इनके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्टेबल होना चाहते हैं, इनकी जो इच्छा है ना, मतलब जो इनकी इनर फीलिंग्स है, जो इनका मतलब मन होता है ना कि एक इंसान की इच्छा होती है, एक इनर फीलिंग्स होती है, एक चाह होती है, तो ये है उनकी चाह कि वो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। लव क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, लेकिन गलत फहमियाँ या कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर ये। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बड़ा बुझा सा मन, भारी भारी सा मन हो रहा है, फ्यूचर को लेकर बड़ा टेंस हो रहे हैं, बड़ा स्ट्रेस में है। आई थिंक ये जो कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे एक एक ईंट रख के एक मकान को बनाते हैं ना, एक घर को बनाते हैं, अंडरस्टैंड, एक एक ईंट रख के बनाया जाता है ना घर, उसके बाद वो घर बनता है, फिर सब लोग उसमें रहते हैं, प्यार से रहते हैं, जैसे भी देखो एक घर संसार होता है वो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि जो भी ये पर्सन है ना आपके, इन्होंने सपने सजाए थे, ड्रीम्स देखे थे आपको लेकर कि भाई ये होगा वो होगा, हम आगे जाके फ्यूचर में साथ रहेंगे, घर होगा, किट्स होंगे, मतलब एक खूबसूरत सी दुनिया बसाई थी आपके साथ, फ्यूचर बहुत देखते थे, ड्रीम्स की बातें भी ज़रूर करते होंगे कि भाई आगे हम ये करेंगे, आगे वो करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जब उन चीज़ों में जब डिस्टर्बेंस हो जाता है या वो चीज़ें नहीं हो पाती है ना, तो वो चीज़ें इंसान सोचता रहता है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मन बहुत भारी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और ये लग रहा है इनको कि भाई जिसके साथ मैंने फ्यूचर देखा था ये क्या हो रहा है, उसके साथ तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, क्यों ऐसा चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हो आप ओवर थिंकिंग कितना ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पर सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि आप किसी मिथुन राशि,
तुला राशि या फिर किसी कुंभ राशि से डील कर रहे हो, आपका पार्टनर हो, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट को सोच सोच के इमोशनल हो रहे हैं ये जो भी पार्टनर है। देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ज़रूर है, इस टाइम पर आपकी बात नहीं हो रही, हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया कि आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही, लेकिन आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जरा सी बात की, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो किसी से भी हुई हो, चाहे थर्ड पर्सन से हुई हो, थर्ड पर्सन की वजह से मतलब हुई हो, या आपस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ज़्यादातर थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों में गलत फहमियाँ आई हुई हैं, आपकी अपनी टेंशन नहीं है, ये किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके साथ आपकी ऐसी इस सिचुएशन हो रही है। अच्छा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा रातों में जाग जाग के आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। आई थिंक आपके कुछ ऐसे पल होंगे, कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रात में आई थिंक इनकी जो एनर्जीज मिल रही है, ये बंदा जो भी है, ये जो पर्सन है, ये रातों में जागते ही रहते हैं, सोते नहीं हैं, करवटों में इनकी रात निकलती है, करवटों में ये नहीं सोते हैं, ये तो बस भावुक होते रहते हैं, इमोशनल होते रहते हैं, ये तो बस पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। आई थिंक इनका जो प्रेजेंट है आई थिंक अच्छा नहीं है, खूबसूरत प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर इनका प्रेजेंट ठीक होता तो ये पास्ट को कभी भी इतना ज़्यादा याद नहीं करते, कभी भी आपको मिस नहीं करते, और आपके बिना इनकी लाइफ में बिल्कुल अकेलापन है, क्योंकि सपने उन्होंने आपके साथ सजाए थे, खूबसूरत दुनिया उन्होंने आपके साथ ही देखनी थी, है ना, स्टेबल होना चाहते थे, और अभी भी इनकी एनर्जीज क्या आ रही है कि भाई स्टेबल होना चाहते, बहुत कुछ हो गया है आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज मुझे दिख रही है, जितने भी कार्ड्स की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, वो ज़्यादातर यही दिखाई दे रही है कि भाई आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं यहाँ पर, ये मतलब एक एक चीज़ को मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, मुझे जो वाइब्स मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको रिश्तों को लेकर। आई थिंक ये आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं, आई थिंक आपने और आपके रिश्ते को लेकर इतना सीरियस है कि अब इनको लग रहा है कि भाई आप बात करने की ज़रूरत है, अब दोबारा से एक होने की ज़रूरत है, जो भी गलतफहमियां आपके और उनके बीच में हुई हैं वो दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगी मैं इस कार्ड्स को, मैं ज़रा डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ऐसा भी लग रहा है जैसे दूरियाँ जो हैं वो ज़्यादातर मोस्टली इनका ध्यान ना देना रिश्ते की तरफ, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि किसी और का ऑर्डर मानकर, किसी और की कंट्रोल की वजह से इन्होंने वो रिश्ता, आपका रिश्ता खो दिया है, ठीक है, किसी और का कंट्रोल की वजह से इन्होंने उसको रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा दिया कि अब ये खुद का ही इनको लग रहा है कि मतलब ये क्या मैंने कर लिया, कभी कभी होता ना खुद से ही। तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इंतज़ार ही कर रहे हैं आपका, और दोबारा से ये चाह रहे हैं कि मतलब अब वो जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करें, और बहुत कुछ इन्होंने, हो सकता है कि ये उनका जो रवैया हो आपके प्रति वो बहुत टफ़ भी हो सकता है, मतलब बहुत झुंझलाने वाला, गुस्सा बहुत करने वाला, इग्नोरिंग एनर्जी से एक अलग होती कि भाई आप इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे, बट जब भी बात करो तो गुस्सा, झल्लाहट या फिर ऐसी बेरुखी दिखाना जिससे कि इंसान का दिल ही टूट जाए, ऐसा मुझे लग रहा है कि इनका ऐसा रवैया ज़रूर होगा आपके लिए, जिसकी वजह से ही इनको ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है कि मतलब खुद से ही मैंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया, क्योंकि ये आज अपने आप को ही ज़िम्मेदार मुझे लग रहा है ठहरा रहे हैं कि हाँ मैंने खुद से अपना रिश्ता ख़राब कर लिया, ऐसा लग रहा है कि ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इनकी जो है एनर्जीज नज़र आ रही है कि अब इनको लग रहा है कि मतलब अब बात करने की ज़रूरत है आपसे, और अब जो चीज़ें इनसे बिगड़ी हैं, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि आप लोगों में ज़्यादा आर्ग्यू वगैरह हुई है या आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों में ये अपने आप को इन्वॉल्व, मतलब अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई खुद को, मतलब ब्लेम करना भी होता है ना, तो खुद को ब्लेम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों में ये जाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास्ट में मेमोरी आई थिंक आपकी अच्छी थी, पास्ट ऐसा नहीं था, क्योंकि पास्ट मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी
फिर भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो कहीं ना कहीं इनका इग्नोर करना, गुस्सा करना और बेरुखी दिखाना हो गया था आपके लिए। लेकिन अब ये मिलना चाहते हैं, मिलके बैठ के बात करना चाहते हैं और खुद से जो चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हुई हैं उनको दोबारा से मतलब ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, जिनकी मैं एनर्जीज बता रही हूँ आपको, इनके और आपके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस आया हो जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा डिस्टेंस आया हो, इतनी दूरियाँ आ गई होंगी आप लोगों में कि अब आपको लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कभी मिलेंगे कि नहीं, कभी बात होगी कि नहीं, कभी एक होंगे कि नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है एनर्जीज। लेकिन ये कितनी भी दूरियाँ आ गई होंगी ना, लेकिन ये दिन रात जो जाग जाग के सोच रहे हैं आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं, तो यहाँ पर इंतज़ार देख रहे हैं, लेकिन किसी और की इंतज़ार देख रहे हैं, मतलब रीयूनियन का इंतज़ार देख रहे हैं, सब कुछ ठीक होने का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो ऐसा लग रहा है जैसे एक होता ना कि लाइक कोई दूसरा चलाता है ना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, लाइक बिल्कुल राइट वर्ड जो है वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि रिमोट कंट्रोल इनका किसी और के हाथ में, उसने कंट्रोल का बटन दबाया, ठीक है, इन्होंने उस तरीके से आपसे बिहेवियर किया, इन्होंने बोला ये तो उन्होंने वैसा उस हिसाब से किया। लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना वो अब खुद को ही अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी। तो अब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बैठ के करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं अब चिंता भी कर रहे हैं क्योंकि अब खोना नहीं चाहते हैं आपको, अब खोएंगे नहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको खोना नहीं चाहते हैं, सीरियस है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख लूँ आपकी, है ना, ओके, आपका हार्ट चक्र की एनर्जीज़ मुझे जो मिल रही है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी इस टाइम पर ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसे फीलिंग्स हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन, इमोशनल फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, ऐसा लग रहा है, और किसी किसी एनर्जीज़ में थर्ड पर्सन की वजह से ही रिश्ते में ज़्यादातर दूरियाँ आई हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मिलना भी, आप भी मिलना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप इतना दूर चले गए, क्यों चीज़ें ख़राब हो गई। मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्ट्रेस आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आज भी समझ नहीं आई, आपको क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ ऐसी बातें हैं शायद आप जो कहना चाहते हो अपने पर्सन से नहीं कह पा रहे हो। यहाँ पर थ्रोट चक्र की भी एनर्जीज़ मुझे आ रही है, बहुत सैड फीलिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी बातें आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो, करना चाहते हो, मीन्स हो सकता है कि करी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों को समझ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर रीज़न, यहाँ पर थ्रोट चक्र की एनर्जीज आ रही है जो कि प्रॉपर तरीके से ना तो अपनी बात कह पा रहे हो, ना समझा पा रहे हो, और ना ही आपकी बात कोई आपका पार्टनर समझ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी भी आ रही है, तो हीलिंग हो, हील चाहिए आपके रिश्ते को, हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन पर्सन की एनर्जीज देखकर लग रहा है कि मतलब अब उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि मतलब रिश्ता क्यों हमारा ख़राब हुआ। तो दो कार्ड्स और ले लेते हैं कि अब रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, अगर ये एनर्जीज़ हैं आपकी तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और मैनिफेस्टेशन और के लिए, मेडिटेशन के लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो ले सकते हैं, एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए भी ले सकते हैं, और फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं साथ में आपके कि कितने चांसेस हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग रीयूनियन की। देखो, मूव ऑन तो कर चुके हैं आपके पर्सन, हीलिंग की ज़रूरत है, जैसे मैं अभी भी देख रही थी ना, तो मैंने अभी भी यही वर्ड बोला था आपसे कि हील हो रहा है आपका रिलेशन और दोबारा से हील होकर एक न्यू एनर्जीज आएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे इस कार्ड को, कि मूव ऑन हो चुका है, मूव कर चुके हैं वो, जा चुके हैं आपके रिलेशन से, बात करना उन्होंने बंद कर दिया, ऑलमोस्ट एनर्जीज ऐसी ही आ रही है। लेकिन फिर भी आपके रिलेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा है, चांसेस किस चीज़ के, एक होने के। यहाँ पर जो टैरो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा से आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मूव ऑन भले ही कर लिया हो लेकिन लौटेंगे ये आपके पास ही, क्योंकि आई थिंक इनकी लाइफ में आपके अलावा ऐसा कोई, कितना कि
एक कीमती चीज़ है आप अपने इनकी लाइफ में, जो उनको ये तब पता चला जब आप इनकी लाइफ से जा चुके हो या ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आपकी बात बंद हो चुकी है, रिश्ता बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, तब इनको एक कदर जो होती है ना, कदर मालूम पड़ रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड ये कार्ड देखकर मुझे बहुत उम्मीद है कि रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ बहुत चांसेस है, रियूनियन ज़रूर होगा आपका। एंड कमेंट कर लीजिएगा, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब, एंड टेक केयर, बाय बाय।